दोस्तों इस वीडियो में जिस पेनी शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर उसके वैल्यू की बात करी जाए तो मात्र 2.30 रुपए का ये शेयर है, लेकिन अगर इसके रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो काफी शानदार रिटर्न्स यहां पर ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रही है। साथ ही साथ विद इन अ वन डे यानी कि सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में ही हमें इस शेयर के अंदर लगभग 34 करोड़ शेयर्स यहां पर एक ही दिन में पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आइए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं इस शेयर के बारे में और साथ ही साथ डिटेल में जानेंगे कि क्या आपको इस पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले एक महीने में ही इस पेनी शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 50% तक के रिटर्न्स यहां पर बनाकर दे दिए हैं। साथ ही साथ अगर आप पिछले एक साल का डाटा भी चेक करेंगे तो लगभग 155% तक के शानदार रिटर्न्स हमें इस शेयर के तरफ से बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और शेयर्स ने जुलाई मंथ में 4 रुपए के हाई को टच भी किया था। उसके बाद इस पेनी शेयर्स के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन अगेन अब इस शेयर के अंदर अब हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं इस पेनी शेयर्स के अंदर विद इन अ वन डे यानी कि सिर्फ आज में ही हमें 37 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ये 37 करोड़ शेयर्स आज के दिन ट्रेड हुए हैं 100% डिलीवरेबल बेस पर उठाए गए हैं, यानी कि एक ही झटके में 37 करोड़ शेयर्स पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो चुके हैं। और सिर्फ 37 करोड़ शेयर ही नहीं, अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी देखेंगे तो 11 करोड़ शेयर, आज से ठीक एक सप्ताह पहले की भी ट्रेडिंग देखेंगे तो लगभग 13 करोड़ शेयर्स, उसके एक सप्ताह एक महीने पहले की ट्रेडिंग देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ शेयर्स में से 10 करोड़ शेयर डिलीवरेबल बेस पर उठाए गए हैं। यानी कि कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर इस पेनी शेयर्स के अंदर जो डिलीवरेबल बेस काम है वो बहुत हाई लेवल पर देखने को मिल रहा है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स लिस्ट देखेंगे तो यहां पर कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं जिसमें भारतीय एयरटेल, BSNL, जियो, टाटा कम्युनिकेशन और साथ ही साथ में वोडाफोन आइडिया, ये सभी इनके कस्टमर बेस देखने को मिलते हैं। यानी कि अब आप ही समझ सकते हैं कि इस स्मॉल कैप कंपनी का अगर क्लाइंट बेस ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो कंपनी का फ्यूचर कितना ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हमें इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम आते हुए देखने को मिलने वाला है। बात करें कि कंपनी करती क्या है तो यहां पर आपको स्क्रीन पर जो मैंने आपके सामने इमेज ओपन कर रखी है आप इसी से समझ गए होंगे कि कंपनी करती क्या है। जी हां दोस्तों, कंपनी टावर लगाती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और जितने भी क्लाइंट अभी आपको यहां पर इस कंपनी के देखने को मिले यानी कि रिलायंस जियो, टाटा ग्रुप, एयरटेल, भारतीय एयरटेल, सभी इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कस्टमर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल 28,000 टेलीकॉम टावर्स कंपनी इस्टेब्लिश कर चुकी है। टोटल 22 टेलीकॉम सर्कल्स हमें देखने को मिलते हैं। 5,000 प्लस हैप्पी टीममेट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। 70 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स यहां पर इनके टावर से कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। और कंपनी को अभी तक लगभग 35 प्लस अवार्ड से यहां पर नवाजा गया है। तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी के पिछले 3 साल के रिटर्न्स भी उठाकर देखेंगे तो लगभग 161% तक के रिटर्न्स यहां पर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। वहीं अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो इस पेनी शेयर्स को लेकर 77% बाय की कॉल और 16% होल्ड की कॉल निकल कर आ रही है। यानी कि एनालिस्ट भी इस शेयर्स को लेकर 93% रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एनालिस्ट को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हर एक एनालिस्ट का नज़रिया अलग होता है, आपका व्यू अलग होना चाहिए। यानी कि आपका टारगेट क्या है सबसे पहले तो आपको उसको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 2784 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि आपको काफ़ी शानदार रिटर्न्स पिछले 1 साल में बनाकर दे चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं ठीक 1 साल पहले जो शेयर हमें 65 पैसे पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलता था वो अभी हमें 2.35 रुपए पर देखने को मिल रहा है और 4.90 रुपए का शेयर्स ने हाई भी बनाया है। उम्मीद है दोस्तों शेयर्स का नाम तो आप समझ ही गए होंगे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं GTL इंफ्रा के बारे में। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग विच इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग,
ऑनिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग पेसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इनके टावर्स हमें देखने को मिलते हैं और जिस प्रकार से 5G की डिमांड बढ़ रही है आने वाले टाइम में इस कंपनी को भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पर आपको स्पेनी शेयर्स के अंदर बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बल्कि अगर आप यहाँ पर कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं और अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो मात्र 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें GTL इंफ्रा के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में, तो यहां पर प्रमोटर्स का स्टेक हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक हाईली रिस्की शेयर है, तो यहां पर अगर आप रिस्क बियर करना चाहते हैं तभी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक हमें यहां पर 1.90% का और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का स्टेक हमें लगभग 59.72% का देखने को मिलता है। यानी कि स्पेनी शेयर्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रही है जिसमें इंडिया विल हैव 500 मिलियन 5G यूजर्स बाय 2027, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया के अंदर जो 5G यूज़र है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, जिस कारण से जो 5G रिलेटेड कंपनियां हैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लाइक टावर की सर्विसेज बात कर लें या फिर फाइबर केबल्स की बात कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HFCL लिमिटेड के अंदर भी अब काफ़ी ब्राइट फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है, तो GTL इंफ्रा को भी उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें अनदर 1,00,000 टेलीकॉम टावर्स इंडिया के अंदर अभी और उनकी नीड्स यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल यहां पर GTL इंफ्रा भी कर सकता है। तो बात करें कि यदि आप GTL इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। GTL इंफ्रा के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसमें पहला रेजिस्टेंस 2.32 रुपये का, देन 2.53 रुपये का, देन 2.97 रुपये का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट 1.88 रुपये का, देन 1.67 रुपये का, देन 1.23 रुपये का और उसके बाद में 1.02 रुपये का सपोर्ट लेवल को आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। मैं अगेन आपको कहना चाहूंगा बल्क इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है। अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो यहां पर आप अपने टारगेट सेट करके यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से हमें इंडिया के अंदर कोविड के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, मार्केट सडनली किसी भी दिन आपको बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको रिस्क लेनी है, लेकिन इतनी ही रिस्क लेनी है जितनी आप बियर कर पाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।